Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start exercise 6.3. But before we are going to start this exercise, if you are new on this channel, then do subscribe my channel for upcoming videos. So let us discuss with the first question of this exercise 6.3. In figure, sides QP and RQ of triangle PQR. आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एन टी ट्राइंगल पी क्यू आर की जो दो साइड दी है स्टूडेंट पी क्यू एंड क्यू आर यह दोनों साइड दो पॉइंट को प्रोड्यूस कर रही है एस एन टी इफ एंगल एस पी आर एस पी आर दिस एंगल इफ दिस एंगल इज गिवन वन थर्टी फाइव डिग्री एंड एंगल पी क्यू टी पी क्यू टी दिस एंगल इज गिवन वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री ंगल पी आर क्यू चलो पी आर क्यू मतलब यू हैव टू फाइंड दिस वन राइट तो यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि ये जो दो एंगल बन रहे हैं एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल ये दोनों क्या बना एक सेमी सर्कल बना देखो तो जब भी सेमी सर्कल बन रहा है इसका मतलब वो दोनों एक ही लाइन पे एंगल है, है तो लीनियर पैर एंगल कह लेंगे चलो तो पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये अंदर का मिल जाएगा हमें चलो क्या लिखेंगे हेयर विच एंगल एस पी आर एंड चलो ये एंगल का नाम लिखना है अंदर वाले एंगल का तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स जो एंगल का लिखना है उसको बीच में लिखने का ओके okay. अब ये एंगल ये दो लाइन को टच कर रही है ऐसे तो कौन से आएगा क्यू एन आर तो एंगल क्यू पी आर आर विच टाइप ऑफ एंगल लीनियर पैर ऑफ एंगल चलो अगर दोनों लीनियर पैर ऑफ एंगल है तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स लीनियर पैर ऑफ एंगल का प्लस कितना होता है भाई वन एटी डिग्री इसलिए हमने दोनों का प्लस लिख दिया वन एटी डिग्री ओके चलो एस पी आर वट इज द वैल्यू ऑफ एस पी आर वन थर्टी फाइव तो वो हम इधर लिख देंगे भाई वन ये वाला एंगल एज इट इज इक्वल्स टू वन एटी चलो अब ये तो क्या बन गया भाई इक्वेशन 135 को यहां से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स कि एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू वन एटी माइनस वन थर्टी फाइव देर फॉर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू वन एटी में से थर्टी फाइव वन एटी में से वन थर्टी फाइव को क्या करेंगे माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स तो फोर्टी फाइव डिग्री क्लियर दिस इज आंसर मतलब ये मिल गया आपको फोर्टी फाइव डिग्री अब वैसे ये दोनों क्या बने स्टूडेंट्स देखो ये पैर बना मतलब ये दोनों लीनियर पैर हो गए चलो ये अंदर का फाइंड कर लेंगे कौन कौन सा एंगल ये एंगल का नाम पी क्यू टी एंड चलो ये एंगल का नाम जो एंगल लिख रहा है उसको बीच में ये दो लाइन को टच कर रहे मतलब पी आर एंगल पी क्यू आर ंगल लीनियर पेर ऑफ एंगल चलो लीनियर पेर ऑफ एंगल है स्टूडेंट्स तो दोनों का प्लस कितना हो जाएगा भाई वन एटी हो जाएगा चलो देर फॉर पी क्यूटी वट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यूटी स्टूडेंट्स पी क्यूटी कितनी वैल्यू है इसकी वन हंड्रेड एंड टेन प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू वन एटी देर फॉर चलो ये वन वन जीरो कहां जाएगा दूसरी तरफ पी क्यू आर इज इक्वल टू वन एटी में से वन वन जीरो फॉर एंगल पी क्यू आर चलो पी क्यू आर वन एटी में से वन वन जीरो जाएगा तो कितना बचेगा सेवेंटी डिग्री दिस इज आंसर मतलब ये मिल गया हमें सेवनटी डिग्री चलो ये भी मिल गया ये भी मिल गया हमें ये फाइंड करना है पी आर क्यू तो ये ट्राइंगल में ये अंदर का एंगल ये भी इंटीरियर एंगल और ये भी इंटीरियर एंगल तो एज वी नो दैट एज वी डिस्कस इन दास्ट विडियो दाइंगल ऑल इंटीरियर एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एटी डिग्री वो प्रॉपर्टी लिखेंगे यहां पर इन ट्राइंगल पी क्यू आर समीरियर एंगल्स इज इक्वल टू वन एटी चलो ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का प्लस कितना होता है भाई वन एटी डिग्री चलो ये एंगल लिखना है पहले तो ये एंगल का नाम कैसे लिखेंगे क्यू पी आर मतलब बीच में पी चलो ये एंगल लिखना है तो क्या लिखेंगे पी क्यू आर और ये एंगल लिखना है मतलब क्या लिखेंगे पी आर इज़ इक्वल टू वन एटी डिग्री चलो क्यू पी आर कितनी वैल्यू मिली उसकी फोर्टी फाइव इसकी वैल्यू मिली सेवेंटी PRQ that दैट यू हैव टू फाइंड ओके चलो दोनों का प्लस कितना होगा स्टूडेंट्स? 115. हंड्रेड एंड फिफ्टीन चलो वन हंड्रेड फिफ्टीन कहा ले जाऊं? दूसरी तरफ तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू वन एटी माइनस वन वन फाइव फॉर एंगल पी आर क्यू चलो वन एटी में से वन हंड्रेड फिफ्टीन माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा सिक्सटी फाइव दिस इज दी आंसर क्लियर स्टूडेंट्स सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर वन समझ में आ गया होगा सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री नाम मोविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन द गिवन फिगर एंगल एक्स इज इक्वल टू तो सिक्सटी टू डिग्री देखो एंगल एक्स दिया है आपको सिक्सटी टू डिग्री एंगल एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड मतलब ये वाई एंगल की बात चल रही है पूरा कितना दिया है फिफ्टी फोर बराबर एंगल एक्स वाई जेड मतलब आपको ये पूरा एंगल दिया है फिफ्टी फोर डिग्री चलो नेक्स्ट इफ वाई ओ एंड जेड ओ इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवलींगल ओ जेड वाई ओ जेड वाई मतलब ये अंदर का इतना find करने को बोला है और वाई ओ जेड मतलब ये वाला ये दो एंगल ढूंढने को पूछा है आपको तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल को समझे पहले कि यहां पर देखो एक ये ट्राइंगल है आपके पास एक्स वाई जेड सिर्फ ये अंदर का नहीं मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको यह दिया है पहले तो फिफ्टी सॉरी सिक्सटी टू दिया है ये आपको दिया फिफ्टी फोर तो ट्राइंगल में पहले तीनों एंगल का प्लस ढूंढ ले जिससे हमें यह एंगल मिल जाएगा स्टूडेंट्स राइट right? चलो तो क्या लिखे इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एटी डिग्री चलो तो ये एंगल है तो क्या लिखेंगे yxz प्लस चलो ये एंगल लिखना है तो xyz प्लस ये एंगल लिखना है तो एक्स जेड वाई इज इक्वल टू वन एटी चलो यहां पे yxz कितना दिया आपको वैल्यू सिक्सटी टू प्लस एक्स वाई जेड वो कितना दिया आपके पास फिफ्टी फोर प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू वन एटी चलो इन दोनों का प्लस करें तो कितना मिलेगा वन वन सिक्स प्लस एक्स जेड वाई इज इक्वल टू वन एटी चलो ये वन वन सिक्स दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस तो वन एटी में से वन वन सिक्स को माइनस कर दे तो सिक्सटी फोर बचेगा तो ये कौन सा एंगल मिला ये वाला एंगल पूरा एंगल मिला आपको सिक्सटी फोर ये पूरा लेकिन हमें ये इतना ही ढूंढना है आधा बराबर चलो तो आधा मतलब यहां पे देखो स्टूडेंट्स वाई ओ मतलब ये वाई ओ एंड जेडो आर दी बाई सेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड चलो एंगल एक्स वाई जेड ये एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड दिस वन एक्स वाई जेड ये वाई पूरा कितना है फिफ्टी फोर अब यहां पे बोला है वाईओ इसका बायसेक्टर है चलो बायसेक्टर यानी डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स अगर ये पूरा 54 है तो ये दोनों पार्ट आधे हो जाएंगे मतलब 54 को टू से डिवाइड कर देंगे मिलेगा। ठीक है। चलो तो वाई ओ किसका बायोसेक्टर है एंगल एक्स वाई जेड का बायसेक्टर है और जेडो किस किसका बायसेक्टर है यहां पे दिया है जेडो किसका बायोसेक्टर है एंगल एक्स जेड वाई का तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक्स जेड वाई ये जेड इसका बायसेक्टर आपको जेड की वैल्यू कितनी मिल गई हमने ढूंढी अभी सिक्सटी फोर पूरा सिक्सटी फोर है तो आधा कितना हो जाएगा थर्टी टू ठीक है तो उस हिसाब से पहले ये ड्रॉ फाइन कर लेंगे चलो तो क्या लिखेंगे हियर वाई ओ इज दी बाइसेक्टर ऑफ वाई ओ ये वाई ओ वाई ओ इज दाई सेक्टर ऑफ कौन सा एंगल का बाई है एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड देर चलो इतना एंगल फाइंड करना ये वाला कौन सा ओ वाई जेड देर एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड पूरे एंगल का क्या हो जाएगा आधा क्लियर है स्टूडेंट्स पूरे एंगल का क्या हो जाएगा हाफ ठीक है तो वन बाय टू चलो एक्स वाई जेड पूरा एंगल कितना है आपके पास 54 डिग्री तो 54 डिवाइड बाय टू यानी 27 डिग्री आंसर हो गया तो इतना आधा आपको मिला 27 बराबर ये ट्रा मैं ड्रॉ कर रहा हूं इतना इतना ही मैंने ड्रॉ किया ये वाला तो इसमें ये मिल गया आपको 27 अब ये ढूंढना है आपको चलो ये पूरा एंगल आपके पास मैंने इधर ड्रॉ किया था पूरा एंगल आपके पास कितना है सिक्सटी तो आपको इतना ही ढूंढना है ओ जेड वाई तो यहां पे लिखेंगे पहले ये लिखा वैसे ही क्या लिखेंगे हियर जेडो इज दिच एंगल एक्स जेड वाई देर फॉर कौन सा एंगल इतना ही ढूंढना है इतना ओ जेड वाई बिकॉज हमें ओ जेड वाई फाइंड करने को पूछा है तो ओ जेड वाई इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई तो वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स जेड वाई सिक्सटी फोर डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा थर्टी टू क्लियर तो हमारे पास अब देखो स्टूडेंट्स ये एंगल मिल गया ट्वेंटी सेवन ये एंगल मिल गया थर्टी टू अब ये पूछा है फाइंड करने का तो ट्राइंगल में क्या हो गया तीनों एंगल का प्लस कितना होता है भाई वन एटी होता है तो हम लिख देंगे इधर ट्राइंगल में तीनों एंगल का प्लस वन एटी चलो कौन से कौन सा एंगल है इन ट्राइंगल ओ वाई जेड इतने ट्राइंगल में ये वाला ये वाले एंगल का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो पहले एंगल ओ वाई जेड मतलब ये वाला एंगल दिख रहे वाई ओ जेड प्लस चलो ये एंगल लिखना है तो ओ वाई जेड प्लस ये एंगल लिखना है तो ओ जेड वाई इज इक्वल टू वन एटी चलो वाई ओ जेड दैट यू हैव टू फाइंड वो एज इट इज रखेंगे ओ वाई जेड ये कितना मिला स्टूडेंट्स ट्वेंटी सेवन ओ जेड वाई ये आधा कितना मिला सिक्सटी फोर का आधा थर्टी टू इज इक्वल टू वन एटी फोर ये इट इज चलो इन दोनों का प्लस करेंगे तो फिफ्टी नाइन इज इक्वल टू वन एटी चलो फिफ्टी नाइन कहाँ जाएगा स्टूडेंट इक्वल टू के दूसरी तरफ तो वन एटी में से फिफ्टी नाइन क्या करेंगे माइनस तो कितना मिलेगा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन दिस इज दी आंसर राइट ई so, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन ना क्वेश्चन नंबर थ्री दैट इज इन फिगर इफ ए बी इज पैरेल टू डी चलो यहां पर दिया है एक कंडीशन स्टूडेंट कि ए बी जो है ना ये विच टू डी, दोनों एक दूसरे को पैरल है इफ एंगल बी ए सी ये एंगल दिया है थर्टी फाइव एंड एंगल सी डी सी डी ई ये दिया फिफ्टी थ्री देन फाइंड डी सी सीई ये ढूंढना है हमें डी सी दिस वन वी हैव टू फाइंड। चलो, तो सबसे पहले आप देखो स्टूडेंट्स फिगर को ऑब्जर्व करो ये क्या बन रहा है इधर जेड बना जेड बना मतलब अल्टरनेट एंगल हुआ और यहां पे कंडीशन भी दी है कि ए बी इज टू DE, तो इधर क्या लिखेंगे हेयर ए बी पैरेल डीई चलो ये दोनों पैरेल है तो ये ए e जो है वो ट्रांसवर्सल बन जाएगा एंड इज दी ट्रांसवर्सल देर फोर कौन सा कौन सा एंगल ये जेड बना ये वाला एस एस एड बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाते हैं चलो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल बी एंगल बी एंड चलो ये एंगल का नाम लिखना है तो ए डी आर अल्टरनेट एंगल्स चलो अल्टरनेट एंगल्स है तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स सेम हो जाएगी तो बी ए इज इक्वल टू एई डी वट इज द वैल्यू ऑफ बी ए थर्टी फाइव डिग्री एंगल एज इक्वल टू थर्टी फाइव डिग्री तो ये मिल गया ये भी हमें अब कितना मिल गया थर्टी फाइव चलो अब हमें ये ढूंढना है तो इतना ही ट्राइंगल की बात करें हम ट्राइंगल में तीनों एंगल का प्लस कितना होता है भाई 180 एटी डिग्री तो वो लिख देंगे क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल सी डी ई सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना है भाई 180 एटी डिग्री चलो फॉर ये एंगल का नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे डी सी ई प्लस वट इज द नेम ऑफ दिस एंगल सी डी ई जो एंगल लिखना है उसको बीच में लिखेंगे चलो ये एंगल तो ये बीच में आएगा सीई डी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री चलो डी सी दैट यू है वैल्यू ऑफ सी डी फिफ्टी थ्री और सी सी डी 53 और की फिफ्टी थ्री और सीई डी की थर्टी फाइव इज इक्वल टू वन एटी देर फॉर एंगल डी सी प्लस चलो फिफ्टी थ्री प्लस थर्टी फाइव करे एटी तो एट मिल जाएगा क्वल टू वन एटी देर फॉर एंगल डी सी इज इक्वल टू एटी एट को इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस टेन सेवन टू सेवनटीन जीरो नाइनटी टू दिस इज द आंसर राइट सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर थ्री आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा जस्ट लाइक दिस वीडियो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल थैंक यू